एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। अब हम बात करेंगे नवग्रह और उनके प्रभाव के बारे में। नवग्रहों में सबसे पहले भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव हमारी आत्मा और पिता के कारक हैं। लाल किताब कहती है कि ये सभी ग्रहों में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली है। सूर्यदेव राज्य पक्ष से लाभ लेने के लिए सबसे आवश्यक हैं। जब सूर्य कमज़ोर होते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं और हमारी शारीरिक स्थिति जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। अब हम बात करेंगे चंद्रदेव के बारे में। भगवान चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं। चंद्रमा मन सो जाता है और हमारे शरीर के अंदर जितना भी जल है उसके कारक हैं। तो चंद्रमा हमारे मन के अंदर उल्लास और अवसाद डिप्रेशन ये दोनों देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों मंगल के बारे में। भगवान मंगलदेव हमारे शरीर में विद्यमान रक्त के कारक हैं। हमारे खून से संबंधित जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें होंगी उनके कारक मंगलदेव रहेंगे। चाहे वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हाई है या फिर लो ब्लड प्रेशर है। अगर किसी इंसान को गुस्सा अधिक आता है तो अवश्य जानिए कि मंगल उनके उग्र हैं। अब बात करेंगे भगवान बुध के बारे में। बुध जो है वो हमारे जीवन में व्यापार का, बुद्धि का और नौकरी का और ज्ञान का प्रतीक है। बुध जब हमारी कुंडली में अच्छे होंगे तो हमें व्यापार में सफलता मिलेगी। हमारी यदि कोई व्यक्ति कवि है तो उनकी कविताएं बहुत अच्छी होंगी। मीडिया से संबंधित काम करने वाले व्यक्ति चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वो सभी व्यक्ति बुध से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति हमारे जीवन में मान सम्मान के प्रतीक हैं और ये हमारे टीचिंग के भी प्रतीक हैं। जो हम शिक्षा लेते हैं तो वो बृहस्पति की शुभता से ही हमें प्राप्त होती है। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाता है, वो बृहस्पति के कमज़ोर होने की निशानी है। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी देखे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन फिर भी उनके अंदर ज्ञान का अपार भंडार होता है, तो देव गुरु बृहस्पति की शुभता का प्रतीक है। दोस्तों अब हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ है तो दोस्तों यकीन मान के चलिए कि वो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में, राग रंग की दुनिया में, नाटक में, कलाओं में, गायन में, वादन में, इन चीज़ों में निपुण मिलेगा। शुक्र हमारे जीवन में गृहस्थ जीवन का भी प्रतीक है। लाल किताब में शुक्र को डेली इनकम का ग्रह माना गया है। हम रोज़ रोज़ जो दिन प्रतिदिन की जो इनकम होती है वो हमें शुक्र से प्राप्त होती है। दोस्तों अब हम चलेंगे शनि ग्रह के ऊपर। लाल किताब में शनि ग्रह को न्याय का देवता बताया गया है। इसे प्रजातंत्र का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होकर उच्च पदों पर पहुंचता है तो शनि की शुभता बहुत आवश्यक है। शनि शुभ ना हो तो स्नायु के रोग होते हैं, मांसपेशियां दुखती हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां इंसान को घेर लेती हैं। चलिए हमारे अगले ग्रह पे राहु पे। लाल किताब में राहु को बनाने वाला कम और बिगाड़ने वाला ज़्यादा बताया है। ये जिस घर में जिस खाने में बैठा होता है तो लाल किताब कहती है कि उस चीज़ में अधिकता करता है। लाल किताब में राहु को नाग का सिर बताया गया है। बिगड़े हुए काम को बनाना है तो राहु को ठीक रखना आवश्यक है। दोस्तों अब हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु जो है ये पुत्र का प्रतीक है। इसका तो निशान भी जो है हमारे नवग्रहों में झंडे का दिया गया है। अगर इंसान का केतु शुभ है तो
उसे काफ़ी कीर्ति और यश प्राप्त होता है। मिनिस्टर्स और आईपीएस आईएएस अफसरों की गाड़ियों पर झंडा लगा हुआ होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में केतु शुभ होगा उन्हीं की गाड़ियों पर झंडा होता है। तो दोस्तों ये नवग्रह का प्रभाव था। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें Astrology TV ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।